और इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की जबलपुर के इलाके से, जहां पर कोरोना आपदा पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की है हाईकोर्ट में। कोरोना जांच में देरी पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। तो साथ ही हाईकोर्ट ने कोविड सेंटर की कमी पर भी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने कालाबाजारी को लेकर के भी नाराजगी जाहिर की है। मध्य प्रदेश सरकार से कार्रवाई करने की बात कही है। ये बड़ी जानकारी जबलपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे, उनमें काफी देरी हुई है। जो आज ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की सरकार बात कर रही है मध्य प्रदेश में, वो फरवरी और मार्च में लग जाने चाहिए थे, जब हमने कोर्ट मित्र के हैसियत से आवेदन लगा दिया था कि सेकेंड वेव आ गई है और गवर्नमेंट के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। तीसरा मुद्दा जो आज उठ के आया था वो रेमडेसिविर की कमी के कारण था। इस पर कोर्ट ने चिंता जताई है कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है और कोर्ट के निर्देश के बावजूद रेमडेसिविर सप्लाई में एक तो देरी हो रही है और लोगों को मजबूरन अत्यधिक कीमत पे उसको खरीदना पड़ रहा है। तो सरकार को कदम पहले उठाने चाहिए थे। और इसी बीच